Hello everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. Today we are going to revise class 10 subject Information Technology code 402 term 2 2 marks question answer of book Employability Skill unit 4 Entrepreneurial Skill and Green Skill. Let's start the question answer. State any two ways by which entrepreneur affect the society they live in. वो दो तरीके बताने हैं जिससे entrepreneur society को affect करता है. Number one is create job. With the growth of business, जब एक entrepreneur का business बढ़ता है, entrepreneur look for more people to help them. तो वो और पीपल्स को अपने साथ जोड़ता है किसके लिए, उसकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, एज अ पार्टनर, एज अ सर्वेंट. दे बाय मोर मटेरियल, और क्या करता है, और ज़्यादा मटेरियल खरीदता है. एंड फ्रॉम मोर पीपल, कहाँ से खरीदेगा मटेरियल, और ज़्यादा लोगों से, तो उन लोगों का भी बिजनेस बढ़ रहा है. दे आल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम, और बहुत सारे लोगों को हायर करता है जो कि उसके लिए काम करते हैं. इन दिस वे मोर पीपल हैव जॉब, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है. जिसको वो हायर कर रहा है उनको मिली, जिससे वो सामान खरीद रहा है उसको मिली, और जिसको वो पार्टनर बना रहा है उनकी भी तो प्रोग्रेस हो रही है. शेयरिंग ऑफ वेल्थ, शेयरिंग ऑफ वेल्थ मतलब कमाई. वेल्थ मीन्स हैविंग मनी टू लीव कंफर्टेबल लाइफ. एज एंटरप्रेन्योर ग्रो द बिजनेस, द पीपल वर्किंग फॉर देम इन रिलेटेड बिजनेस ऑल्सो ग्रो. दे हैव मोर मनी टू लीव बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब जब एंटरप्रेन्योर कमाता है ज़्यादा, तो अपने लोगों को खुद और जिनसे वो सामान खरीद रहा है उनके पास जब ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो जो एक लाइफ जी रहे हैं उसका लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा वो कर लेते हैं. लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्राइस लो हो जाता है. एज मोर एंटरप्रेन्योर सेल द सेम प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन. तो इसलिए प्राइस कम हो जाएगा तो लोगों को बेनिफिट होगा ना. एक्सप्लेन द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को डिस्क्राइब करना है. यूजिंग सोलर पावर फॉर दैट इज पावर जनरेटेड यूजिंग द सन डज नॉट कॉज पोल्यूशन एज इट डज नॉट रिक्वायर बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल सच एज कोल. वी आर मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आर इलेक्ट्रिसिटी नीड एंड मेट एंड एट द सेम टाइम वी डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट. और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ बायोगैस is also an eco-friendly alternative to natural gas. Okay, तो solar power का use करते हैं तो वो affordable भी है और वो हमारे को मतलब हमारे environment को pollution नहीं देता, इसलिए वो clean भी है. That is why it is called affordable and clean energy. Explain any two function of entrepreneur. Entrepreneur कौन से दो काम करता है. ठीक है, function of entrepreneur are मेकिंग डिसीजन, वो डिसीजन खुद लेता है. इसको देखो डिस्क्राइब भी कर देना, सिर्फ पॉइंट मत लिखना. मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को खुद ही मैनेज करता है, डिसीजन लेना कब क्या काम होना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है. ठीक है, और सेलिंग, परचेजिंग, डिसीजन, प्लानिंग, आइडिया इम्प्लीमेंशन, तो ऑल टाइप ऑफ डिसीजन विल टेक बाय द एंटरप्रेन्योर. एंड also managing the business, how to manage, when to sell, all managing of business is controlled by entrepreneur. Reduced inequality is one of the sustainable development goal set by the UN. UN ने क्या किया था, 17 goal set किया था ना, तो उसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी भी उसका एक पार्ट है. गिव एनी टू वेज ऑफ रिड्यूस इनइक्वालिटी, अब आपको दो तरीके बताने हैं जिससे आप इनइक्वालिटी रिड्यूस कर सकते हो. टू इजी वे टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज आर बी हेल्पफुल टू वन अनदर, एक दूसरे की मदद करना
उससे क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गरीब की मदद कर रहा है, इक्वल हो गए। एंड बी फ्रेंडली विद एवरीवन। अब आप ये मत सोचो कि मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा है, आप एक दूसरे को फ्रेंड की तरह समझो तो इक्वलिटी आ जाएगी। ओके, इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ डिफाइन भी डिस्क्राइब भी कर देना। इज इट ट्रू दैट अ लार्ज कैपिटल रिक्वायर फॉर बींग एन एंटरप्रेन्योर? डिस्कस करना है इसको। क्या आप, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए? द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी हम बिजनेस पैसे से शुरू करते हैं वो बिजनेस पर जो पैसा लगा रहे हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। एवरी बिजनेस डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट। हर बिजनेस को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। एज पर नीड एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस विद अ डिफरेंट कैपिटल। हर एक बिजनेस में अलग अलग अमाउंट का पैसा लगता है, ठीक है। छोटा बिजनेस है, एक समोसे वाला है, वो भी तो काम शुरू कर रहा है, और एक बहुत बड़ी कंपनी है कार बनाने वाली, वो भी काम शुरू कर रही है। लेकिन एक कार की कंपनी में और एक समोसा की कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग है ना। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कैपिटल वन नीड टू स्टार्ट द बिजनेस इट कैन बी रेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। वंस द एंटरप्रेन्योर मेक द मनी ही और शी कैन पुट दैट इनटू द बिजनेस टू एक्सपेंड। अब एक बार बस कमाना शुरू कर दे बिजनेस, फिर वो अपना बिजनेस के सोर्सेस और ढूंढ लेते हैं, लोन ले सकते हैं, है ना। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रिक्वायर अ लार्ज कैपिटल फॉर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारा कैपिटल होने की ज़रूरत नहीं है। दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ बिजनेस के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। वट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डिस्कस एनी टू। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने डिसाइड कर ली कि 17 है और हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे कंप्लीट करने में? देर आर थ्री मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पूरी दुनिया में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन इसके आगे तीन प्रॉब्लम आ रही है। पहली, फूड। लार्ज एरिया ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो द क्रॉप्स विच इज बिकमिंग लेस एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पसेस, सिटीज, रोड्स, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। सॉइल न्यूट्रिएंट आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड एंड लॉट ऑफ केमिकल आर स्पॉइलिंग द सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो फूड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड इज वाटर। वी यूज फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, बट dump garbage into them. The river and pond are getting polluted this way. After several years, we will have no clean water for use it. Number three is fuel. We are using a lot of wood from the tree as fuel and for constructions of home and furniture. As more as trees are being cut, it is affecting the climate of the place. Extreme weather conditions such as flood, extreme cold or heat are seen in many places which affect the people living there. तो अगर हम इन तीनों की requirement future में fulfill नहीं कर पाएंगे तो sustainable development possible नहीं है। तो हमें फूड, वाटर एंड फ्यूल, इन तीनों की, तीनों प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एटलीस्ट एनी फाइव मिथ। कोई भी पांच मिथ बताने हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी वन मिथ, और किसी एक मिथ के बारे में ढंग से बता देना है। तो यहाँ पांच बता रही हूँ, कोई भी आपको एक लगता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसे अच्छे से बता देना। देर आर मेनी मिथ अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, लाइक एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न अ सर्टेन वे,
एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, बनता नहीं है, ये गलत है। एक आइडिया, यूनिक आइडिया होना चाहिए, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है जिसका बिजनेस अच्छे से चल पड़ा। ग्रेट आइडिया व्हाट मेक एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है। छोटे सा आइडिया भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक रेडी वाला है, वो सामान बेच रहा है, ठीक है, उसका वहाँ पे सामान नहीं बिका, या जैसे अब लॉकडाउन हुए थे तो सबके बिजनेस बंद हो गए थे, है ना, तो अब डब्बा बंद उसने शुरू किया, तो वो घर होम डिलीवरी शुरू करी, और होम डिलीवरी में अगर कमाई हो रही थी, घर घर डब्बा पहुंचा रहा था, तो उससे क्या हुआ, ये भी एक छोटे से आइडिया से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। मेन नोटिस क्या किया जाता है, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे रिस्क तो देखो हर बिजनेस में होते हैं। बिजनेसेस आदर स्काई रॉकेट और फेल, या तो बिजनेस चल जाता है नहीं तो फेल हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका बिजनेस अगर चलता जा रहा है, बहुत प्रॉफिट नहीं दे रहा, थोड़ा भी दे रहा है, चल रहा है तो भी ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपके माइंड में आइडिया है और आप बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि बहुत सारा पैसा होगा, लाखों करोड़ होंगे तो शुरू करेंगे, तो ये भी एक मिथ है। वन मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, आपको बिजनेस शुरू करने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, आपको जो जो प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको 6 मिथ बता दिए, किसी भी एक को आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा। Briefly explain the importance of sustainable development. Number one is, it will ensure that the resources like air, water, forest are safe to the future generation. Sustainable development जो हम सुन रहे हैं, actual में क्या है कि हमारे आसपास का जो environment है, हमारी जो earth है, हम इसे future use के लिए भी save करें। तो फ्यूचर यूज के लिए किसको सेव करते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, जैसे एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इनसे हमारा लाइफ है, तो इनको हमें बचा के रखना है, किस लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। सेकंड, प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कैन बी टेक केयर ऑफ विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितने भी क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, तो उस इन प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेना है, ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स ना रहे। एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन आर डेली लाइफ एंड एट आर वर्क प्लेस विल आल्सो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑलरेडी जब हमें पता चल चुका है कि हमें किसको रखना है और कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, तो हमें अपना लाइफ स्टाइल भी ऐसा करना चाहिए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर वर्क करना चाहिए। हाउ डू द एंटरप्रेन्योर हेल्प द सोसाइटी, एक एंटरप्रेन्योर किस तरह से सोसाइटी की हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योर हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सोसाइटी, सम एंटरप्रेन्योर वर्क टू वर्ड सेविंग द एनवायरमेंट, सम गिव मनी टू बिल्ड द स्कूल एंड हॉस्पिटल, दिस वे द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम्स बेटर। तो हर एंटरप्रेन्योर को अपने आसपास के लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, जिस भी तरीके से वो कर सके। सजेस्ट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, अब कोई एक मतलब सस्टेनेबल सिटी या कम्युनिटी के बारे में सजेस्ट करना चाहिए। नंबर वन, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट फैन व्हेन नॉट इन यूज। तो ये सिंपली आप भी यूज कर सकते हैं घर पर, लाइट फैन ऑफ कर लो जब यूज नहीं कर रहे तो। Use energy efficient light. Energy efficient light means कि LED bulb जो है आप उन्हें use कर लिए, या उस तरह के appliance use करें अपने घर पे, ताकि बिजली कम से कम, electricity कम से कम use हो। List out any 4 quality of entrepreneur. कोई भी 4 qualities आपको बतानी है। Qualities of entrepreneur are optimism, hard work, independence, energetic, self-confidence and perseverance. Write
द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो जुडिशियस यूज रिसोर्सेस, हर जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें एक अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, उनका वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर कंज्यूमशंस ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, ये भी श्योरिटी रखना चाहिए, जैसे पानी है, हवा है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, तो जब जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो उनकी क्वालिटी अच्छी रहे, ये ना हो कि आप जिस तरह से यूज़ कर रहे हो उसको वेस्ट कर रहे हो या उनकी क्वालिटी ख़राब कर रहे हो या पोल्यूट कर रहे हो। एंश्योरिंग द बैलेंसिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए और इक्वालिटी में यूज़ होना चाहिए, किसी को ज़्यादा और किसी को कम ना मिले। इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। राइट डाउन द मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गलत फहमी क्या है। द मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप्स आर एज फॉलो, एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल, हर बिजनेस अगर बहुत यूनिक आइडिया है, बहुत स्पेशल आइडिया है, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप है, गलत। अ पर्सन नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, एक इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, दैट इज़ अ मिथ। ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, एक इंसान जिसके पास बहुत, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है, सिर्फ वही एंटरप्रेन्योर है, ये भी गलत है। एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न और नॉट मेड, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं, ये भी गलत है। तो दीज ऑल आर मिथ्स, ये गलत फहमियाँ हैं कि ये सब एंटरप्रेन्योरशिप होती है। मेंशन एनी फोर पॉइंट दैट आर इंक्लूडेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चार पॉइंट चाहिए, ठीक है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट, रिड्यूस द एक्सेसिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसेस रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटीरियल, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल बायो रिसोर्सेस, प्लांटिंग मोर ट्री, यूजिंग मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। तो आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना है और जितना भी वेस्ट और मटीरियल है उसको रिसाइकल या रीयूज करना है, ठीक है। और कोई भी रिसोर्सेस को ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है। राइट एनी फोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी चार बताने हैं, बट मैं आपको यहाँ 17 के 17 बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे वो लर्न करना और उनको एक बार डिस्क्राइब कर देना। नंबर वन, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। नंबर थ्री, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, सभी हेल्दी रहें। नंबर फोर, क्वालिटी एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। नंबर फाइव, जेंडर इक्वलिटी, गर्ल्स और बॉयज में इक्वलिटी हो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको क्लीन वाटर मिले और प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधाएं मिले। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो मतलब इजी आसानी से मिल सके, जैसे सोलर एनर्जी, और जो एनवायरमेंटल को पोल्यूशन ना दे। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पर वर्क करना चाहिए, यानी कि हमें अपने बिजनेस के साथ साथ एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज बढ़ानी है लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। रिड्यूस द इनइक्वालिटी, किसी भी तरह की इनइक्वालिटियों से कम करना है। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है, सस्टेनेबल कम्युनिटी बनानी है। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है कि रिवर गंदी हो रही है, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तभी हम उसे क्लीन करेंगे। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए एक्शंस लेने हैं। लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ बिलो द वाटर मतलब पानी के अंदर जो जीव है, मछली है,
ठीक है, उनका भी हमें ही ध्यान रखना है। लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर जीव हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। पीस, जस्टिफाई एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, विश्व में शांति बनाना, अर्थ में शांति बनाए, कोई लड़ाई ना हो, कोई फाइट ना हो, उस पर भी ध्यान रखना है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, और इस 17 गोल को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना है, पार्टनरशिप करनी है उनके साथ। व्हाट आर द क्वालिटीज टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर? एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनने की क्या क्वालिटी है? वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बाय रिफ्यूज of plastic, water, glass and paper etc. using cloth bag, donate things which we do not use, buy and eat seasonal fruit and vegetables, do not wasting the water and food, sorting and treating garbage before dispose. List any four career opportunity of an entrepreneur with respect to hospitality industry: restaurant, hotel, food van, travel and tourism companies, etc. Write any four issues on sustainable development: unemployment, climate changes, underprivileged people, world peace. What is the meaning of sustainable development? Sustainable development is a development that satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between the economic growth, care for the environment and social well-being. Write any two positive impact of entrepreneurship on the society. Positive impact of the entrepreneurship on society are: accentuates economic growth, badh rahi economic growth, foster creativity, stimulate innovation and efficiency, create the job, employment opportunities, solve the problem of society, encourage the welfare of the society. Explain briefly any two functions of entrepreneur. There are many functions of entrepreneur, but we discuss few. For number one, decision making. An entrepreneur make the decision every day, include what to produce and or sell, how much and where to sell. Number two, managing the business. An entrepreneur plan future of his or her business. He or she arrange for raw material, hire people for work, and tells everyone what to do. They also check if the plan is being followed. Number three, divide the income. The entrepreneur divide the business money to many groups. He or she spend money to buy the material, pay rent of the building and salaries to the people. Number four, take risk. An entrepreneur take risk against the fire, lost item and theft, etc. Number five, create a new idea or method. An entrepreneur is always trying new ideas. What is meant by the sustainable development? It is already repeated, but we revise it. Development that satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between the economic growth, care for the environment and social well-being. Entrepreneurs are born, not made. Do you agree? Justify your answer. We do not agree with the statement. Entrepreneur can be made, also be imparting skill. अगर जिस कोई भी आप स्किल सीख लीजिए और फिर उसके बाद आप entrepreneur बन सकते हैं. There is no set defined way to point the two word. Personality type of entrepreneur. Entrepreneurship is learned skill, not a natural born ability.
state any two problems related to the sustainable development. Problems related to the sustainable development are population, poverty, greed, lack of awareness and sensitivity, loss and in execution of policies, issues of climate change. If you want to be entrepreneur in future, then what qualities should you possess among yourself to be successful? The basic quality that I should possess as entrepreneur are: I must believe in myself and should be confident. I should keep trying new ideas. I must be patient because I know success will come soon. I should have creative and different solution to the problem. Okay? How can we protect life below the water and on the land? Number one, life below the water. Tons of plastic we found in those seas, which is killing marine life. Protecting marine life, saving our ocean from the pollution is necessary to preserve the marine life. And second is, protect the life on land. Cutting of trees is leading to soil erosion and making land dry, unusable for cultivation. Planting more tree to replace the ones that we have cut is an important step towards the sustainable development. There are two ways a person can earn a living. What are these? देखो दो तरीके होते हैं ना कमाने के. कौन से? The two ways a person can earn a living: self-employment and wage employment. For example, a doctor who work for a hospital is wage employment person. If the same doctor has their own clinic, he or she is self-employed person. A self-employed person running a business to satisfy a need but trying new idea is an entrepreneur. What leads to soil erosion? In this context, what can be step toward sustainable development? Cutting of trees is leading to soil erosion and making land dry and usable for cultivation. Planting more tree to replace the one that we have cut is an important step toward sustainable development. List any four characteristics of entrepreneurship. List any four characteristics of entrepreneurship. I know how many times it repeated, but we are going to revise for exam. So first one is ability to take up the race, believe in hard work and discipline, adaptable and flexible to achieve the goal of enhancing the quality and customer satisfaction, knowledge of the product and services and their need or demand in the market, financial literacy and money management skill, effective planning and execution. What are the four sources of energy available to us? There are five fundamental sources of energy. First is nuclear fusion in the sun, solar energy. Second is gravity generation by the earth and moon. Third is nuclear fusion reaction. And fourth is energy in the interior of the earth. And fifth one is energy stored in a chemical bond. Most of energy we use today come from the fossil fuel stored solar energy. But the fossil fuel have the disadvantage in that they are non-renewable on a human time scale and causes other potentially harmful effect on the environment. Write down the misconception about the entrepreneurship. The misconception about the entrepreneurships are follow. Every business idea need to be unique or special. A person need a lot of money to start the business. Only a person having a big business is an entrepreneur. And entrepreneurs are born, not made. These all are misconception, myths of entrepreneurship.
mention any 4 points that included in the sustainable development. The sustainable development include the following point: reduce excessive uses of resources and enhancing the resources conservation, recycle and reuse of the water material, scientific management of the renewable biogas resources, planting more trees, using more environment friendly and biodegradable material, use of technologies which are environmental friendly and based on efficient use of resources, green grassy patches and trees to be interspersed between the concrete building. Entrepreneurs are born, not made. Do you agree with this statement? Justify the answer. No. This is a myth or misconception about the entrepreneurship. Being an entrepreneur starts with a way of thinking. One must believe that anything is possible and it shall be achieved. It starts with thinking of an idea that you want to work on, making it different. Analyst and the two SDGs, which are formulated to address the problem related to water. SDG, Sustainable Development Goal, which are formulated to address the problem related to the water, are clean the water and sanitation, save life below the water, responsible consumption and productions. Explain a T2 function which help the entrepreneur to manage the income earned, increase the scale of their product. First is divide the income. The entrepreneur divides the business money to many groups. He or she spent money to buy material, pay rent of the building and salaries to the people and making decision. An entrepreneur make the decision every day that include the what to produce or sell, how much and where to sell. Okay. So it is manage the income and increase the sale and product. तो वो डिसीजन ले रहा है, इससे उसकी सेल इंक्रीज होगी. हाउ विल एन एजुकेटेड इंडिविजुअल हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू द स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब सो दैट दे कैन take care of themselves and the family. Education help us become the aware of our role as a responsible citizen. We should use the facility present in our area, take our friend to the school, help friend study, stop friend from dropping out the school. Hope you understand all the topic very well. Don't forget to like, subscribe the channel and share your friend to revise the topic. Best of luck for your exam. Thank you for watching.